हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास एक BS6 गाड़ी है जिसका बोलना है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही है, तो हमने उसमें लैपटॉप कनेक्ट किया है। लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो फाल कोड आ रहे हैं वो फाल कोड ये हैं, तो आप देख सकते हो कि 0741 ये जो फाल कोड है एक्टिव में है, और ये है टर्बो चार्जर फर्स्ट कंप्रेसर इनटेक प्रेशर सर्किट वोल्टेज अबाउट नॉर्मल और सॉर्टेड टू हाई सिक्योर। तो दोस्तों, ये जो टर्बो चार्जर का प्रेशर है वो सही हाई लो जा रहा है, उसकी वजह से ये ओपन सर्किट में आ रहा है। और दूसरा जो फाल कोड है 0691, ये दो बार आया हुआ दोस्तों एक्टिव में, और ये है इन कंप्रेसर इनटेक टेम्परेचर सर्किट। तो दोस्तों, ये जो दोनों फाल कोड हैं, ये दोनों फाल कोड है जो एक ही, इन दोनों फाल कोड का एक ही सेंसर होता है, और वो सेंसर है जो टर्बो चार्जर से थोड़ा पहले लगा हुआ होता है, जो अपना इनटेक का एयर प्रेशर और उसका टेम्परेचर बताता है कि कितना क्या टेम्परेचर है। तो चलिए दोस्तों, अपन एक बार 741 वाला जो कोड है उसके ऊपर डबल क्लिक करके और अपन इसका खोलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसमें ये सेंसर है अपना टर्बो चार्जर वाला, तो जो अपना टर्बो चार्जर कंप्रेसर इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर, ये इस प्रकार का होता है, और ये टर्बो चार्जर से थोड़ा पहले लगा हुआ होता है एयर फिल्टर और टर्बो चार्जर के बीच में। तो 4 नंबर पे रिटर्न आएगा दोस्तों, और 3 नंबर पे टेम्परेचर सिग्नल आएगा, और जो 2 नंबर है उसके ऊपर 5 वोल्टेज सप्लाई आएगी अपनी, और 1 नंबर पे प्रेशर सिग्नल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन इसको चेक करते हैं कि अपने को क्या क्या मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, अपन सॉफ्ट टॉल्क में जाएंगे तो इसमें भी ये लिखा हुआ आ रहा है कि ओपन रिटर्न सर्किट द इंजन हार्नेस या कनेक्टर सेंसर, मतलब या तो कोई लूज है या फिर कोई तार कट गया है या ओपन सिग्नल सर्किट ऐसा कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि अपन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 1 नंबर में लगा के अपन इसकी अर्थ के साथ कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ताकि अर्थ आ रहा है या नहीं, के साथ कंटिन्यूटी नहीं आ रही है अपनी। और 2 वोल्ट में अपन जो 2 नंबर पिन पे अपन वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज अपना 5 वोल्टेज है, जो देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, 5 वोल्टेज है जो आ रहा है, बट अर्थ की अपनी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, हो सकता है ये वायरिंग कहीं से कट गई हो या फिर रगड़ वगैरह खा के ये टूट गई हो। तो चलिए अपन इसकी एक बार वायरिंग चेक करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे अपने को डैमेज मिलता है। तो कपलर तो दोस्तों लूज़ पॉइंट नहीं हो सकता, इसको तो प्रॉपर तरीके से सही बैठ रखा है, और आगे से भी ऐसी कुछ रगड़ वगैरह मिल नहीं रही अपने को। चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मिल जाए तो, यहाँ क्लिप के नीचे भी नहीं है, हल्की फुल्की स्लीव कटा हुआ है उसको। और आगे की तरफ चलते हैं अपन, तो यहाँ पे शायद कटा, हाँ यहाँ पे ये कटा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे रगड़ है और यहाँ पे अपने को वायर भी कटा हुआ मिलेगा। तो अपन एक बार ये क्लिप वगैरह खोल के इसको थोड़ा बाहर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें अपना वो वायर है जो कटा हुआ है या नहीं है। अर्थ वाला वायर था जो काले पे पीला। तो दोस्तों, हमने ये वायरिंग को यहाँ से छील के थोड़ा सही तरीके से कर दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेन वायर है जो लाल कलर का वो टूटा हुआ है, और एक जो अर्थ का थोड़ा घिसा हुआ है, और जो अपना जो अर्थ का वायर था इनटेक टेम्परेचर सेंसर का वो जो कटा हुआ है, जो अपना पीले पे सॉरी काले पे पीली धारी वाला, तो वो वायर कटा हुआ है इसका, बिल्कुल अलग हो रखा है। तो चलिए दोस्तों, अपन इसको एक बार रिपेयर करके और देखते हैं, रिपेयर कर दिया हमने और एक बार अपन चेक करते हैं कि अपने को वहाँ पे कंटिन्यूटी वगैरह आ रही है नहीं आ रही है। तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर इसमें जो भी है लैपटॉप वगैरह लगा के अपन फाल कोड क्लियर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, अर्थ के साथ कंटिन्यूटी इसकी आ रही है। तो दोस्तों, अपन इसको एक बार प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं और अपन लैपटॉप लगा के इसके जो फाल कोड हैं वो भी अपन एक बार नज़र मारते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो कि इसमें जो फाल कोड हैं वो इनएक्टिव हो गए हैं,
0741 और 692 दोनों जो 91 691 दोनों इनएक्टिव हो गए, इसको क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना।